जीवन के इस भाग दौड़ में हम अपने परिवार के और अपने लोगों को ही भूल जाते हैं, जबकि हमारा जो परिवार है वो हमारे घर का और हमारा आधार स्तंभ होता है। इस दुनिया में एक आपका परिवार ही होता है जो आपको प्रेम, अपनापन और भावनात्मक रूप से आपको सहायता प्राप्त करवाता है। जीवन में आगे बढ़ने की दौड़ में और होड़ में आप ऐसा ना करें कि आपके परिवार ही कहीं पीछे छूट जाए। आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका जो परिवार है वो बंधन नहीं बल्कि आपका सहारा है। आइए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से परिवार का महत्व समझाने जा रहा हूँ। यह कहानी है एक पिता और बेटा की। शाम का समय था। ऑफिस से घर आने के बाद पिता फिर से ऑफिस के फाइल्स में उलझा हुआ था। तभी उसका 8 साल का बेटा पास आया और बोला, पापा क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तभी उसके पिता ने उत्तर दिया, हाँ पूछो। तब बेटे ने पूछा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? इस अजीब सवाल पर पिता को कुछ गुस्सा आया। उसने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों बेकार के सवाल पूछकर मेरा समय खराब कर रहे हो? देखते नहीं कि मैं काम में व्यस्त हूँ? यह सुनते ही बेटा ने जिद करके पापा से पूछने लगा, पापा मैं बस जानना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे बताइए ना, आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? तभी उसके पिता ने जवाब दिया कि मैं 1 घंटे में लगभग 500 रुपये के आसपास कमा लेता हूँ। ये बात सुनकर बेटा सिर झुकाकर कुछ सोचने लगा और फिर से सिर उठाकर बोला, पापा आप मुझे 300 रुपये उधार दे सकते हैं? इतनी बात सुनते ही पिता काफ़ी गुस्से में आ गया और वह अपने बेटे को डांटते हुए बोला, अच्छा तो तुम इसलिए मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे? तुम्हें खिलौना या कोई फालतू सी चीज़ खरीदनी होगी। इसके बाद वो अपने बेटे को डांटकर अपने रूम में जाने के लिए कह देता है और साथ में भी बोल देता है, मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमा रहा हूँ ताकि तुम्हारी फालतू की मांगें पूरी कर सकूँ। यह सुनकर बेटे का चेहरा काफ़ी उतर जाता है और वह बेटा वहाँ से चला जाता है और पहले की तरह उसके पिता फिर से काम में व्यस्त हो जाते हैं। काम खत्म होने के बाद जैसे ही पिता की नाराजगी खत्म होती है, पिता को अपने बेटे पर किए गए गलत व्यवहार से दुख होने लगता है और वह सोचने लगता है कि हो सकता है उसके बेटे को सच में किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, इसलिए 300 रुपये वो मेरे से मांग रहा होगा। वह अपने बेटे के कमरे में जाता है और देखता है कि बेटा उसका बिस्तर पर लेटा हुआ है। तभी वह उससे पूछता है कि क्या तुम सो गए? बेटा तुरंत उठकर बैठ जाता है और बोलता है, नहीं पापा मैं जगा हुआ हूँ। उसके पिता बोलते हैं, मैं काम की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था और मेरा काम का गुस्सा तुम पर निकल गया। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये लो 300 रुपये जो उस समय तुम मुझसे मांग रहे थे। 300 रुपये मिलते ही उसका बेटा तकिए के नीचे से रखे 200 रुपये के नोट निकालते और गिनने लगता है। यह देखकर उसका पिता फिर से गुस्सा करने लगता है और गुस्से में बोलता है कि जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने पैसे क्यों मांगे? तब वो बोलता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे पापा। तो उसके बाद वो 500 रुपये वो अपने पिता को देने लगता है और अपने पिता से बोलता है कि क्या मैं 500 रुपये आपको देकर 1 घंटा आपसे खरीद सकता हूँ? क्या कृपया आप कल जल्दी घर पे आ जाएंगे ताकि हम आपके साथ बैठकर खाना खा सकें या बातचीत कर सकें? बेटे की बात सुनकर उसके पिता काफ़ी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उनकी आँखों से आंसू निकल जाता है। दरअसल दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसी कई बार चीज़ें होती है और हम अपने काम में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने लोगों का और अपने परिवार का बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। हम हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते हैं जिससे हम अपने लोगों को कभी भला बुरा भी कह देते हैं और कभी भी उनके साथ अपना समय व्यतीत नहीं करते हैं जिनके लिए आप पैसा कमा रहे होते हैं। तो इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है वो यह है कि हम पैसा कमाने के जद्दोजहद में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा परिवार हमसे पीछे छूट जाता है। हमारे पास अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बिताने के लिए समय नहीं होता। समय धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता जाता है और फिर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। और आप जहाँ भी काम कर रहे होते हैं ऑफिस में आपका रिप्लेसमेंट बड़ी आसानी से ढूंढ दिया जाएगा, लेकिन परिवार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसलिए आपको हमेशा अपने परिवार को महत्व देना चाहिए।